करवाने के लिए हम सबको दिल्ली चलना है, चलेंगे ना? एक बार हाथ उठा के जयकार लगाए, बोले मेरी गौ मात की। जब तक गाय राष्ट्रमाता घोषित नहीं हो जाती, दिल्ली नहीं छोड़ेंगे। गाय के लिए, गौ माता के लिए चलेंगे पक्का, गौ माता के लिए। गाय यदि राष्ट्रमाता घोषित हो गई तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, फिर हमें एक शाम गौ माता के नाम पर्दा छपा के जागरण देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि गाय का खर्चा गाय खुद उठा लेगी। ये मुझे पक्का भरोसा है गौ माता का, क्योंकि भरोसा बूढ़िया करिया 500-500 गाय रखता। बहुत बहुत धन्यवाद राजू भाई मांझू, 1529 रुपया गुप्त दान, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए श्री गुरुदंबेश्वर भगवान की, बोलिए गौ माता की। सबसे पहले यहां हानिया गांव के सभी महानुभावों से मैं अपील करता हूं कि जिस प्रकार आपके गांव के अंदर इतनी भीड़ और इतनी एकता एक गाय माता के लिए, सभी राजनीति को छोड़ के जिस प्रकार आज घर परिवार छोटे से लेकर बड़े तक, बुजुर्गों तक सब इकट्ठे हुए हैं, उनको मैं नमस्कार प्रणाम करता हूं। बुजुर्गों के चरणों में मेरा प्रणाम, और युवा टीमों के जिसने इस गौ माता की सेवा में अपना हर अमूल्य वक्त निकालकर इन गायों की सेवा करने का एक अलग रास्ता चुना है, तो मैं सभी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले वक्त के अंदर हिंदुस्तानियों से, हर हिंदुस्तानी से, कि इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर एक भी गाय आवारी नहीं मिलनी चाहिए। ये ओम जी मुंडेल अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, आप और हम मिलके इस धरती मां का, जो गायों की कटाई हो रही है, गायों को काट रहे हैं, बचाने की एक संकल्प लेंगे तो ही बच पाएगी। जिस प्रकार हर एक ग्राम पंचायत के अंदर छोटी छोटी गौशाला खोलने का राज्य सरकार ने सरपंच ग्राम पंचायत को नोटिस जारी कर दिया है कि अपने ग्राम पंचायत के अंदर एक छोटी छोटी गौशाला खोल दी जाए, तो सरकार का भी सपोर्ट साथ में है, तो गाय माता को बचाने के लिए पूरी धरती को एक होना पड़ेगा। एक दो आदमी कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो मैं सभी से निवेदन एक और चीज कर रहा हूं कि मैंने 2-3 दिन पहले सुना है कि गांव में कोई गौशाला खोल रहे हैं तो एक दो पार्टी अपनी राजनीति कर रहे हैं, तो मैं आपके चरणों में मेरा शीश निवा के एक बोल रहा हूं कि गाय माता के लिए राजनीति मत करें, बाकी अपनी राजनीति करें, सरपंच के, विधायक के, सांसद के, मुख्यमंत्री के, लेकिन अपनी गाय मां के लिए राजनीति मत करें। सभी से निवेदन है मेरा, आप जिस प्रकार सबका सहयोग होगा तो ओम जी, इस प्रकार ओम जी का तो कोई लेना देना नहीं, यहाँ के आपके एरिया को इकट्ठा करने का एक वजूद था कि ओम जी ने इकट्ठा किया, पहले तो नहीं हुए, पहले हुए कि गाय माता के लिए नहीं हुए, ओम जी का वजूद है कि यहाँ आके इनकी इनकी मतलब जिज्ञासा है, इनका सोच है, इनका विचार है गायों की सेवा करने का, तो इनका सपोर्ट करना आपको और हमको, अपन मिल के इन ओम जी का सपोर्ट करेंगे तो हिंदुस्तान के अंदर एक भी आवारी गाय 2025 तक नहीं मिलेगी। धन्यवाद। बोलिए श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की। आवाज नहीं आई भाई, बोलिए गौ माता की। मैं युवा टीम से निवेदन कर रहा हूं कि उबासी मत लो, एक बार जयकारा बोल दो, मैं आपका पीछा छोड़ दूंगा। बोलिए श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की, बोलिए गौ माता की। सभी माता को मेरा प्रणाम, मैं भूल गया, माँ और बहनों को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इतना दिया मेरे मालिक ने मुझको।
क्या बात, बहुत बहुत साधुवाद पूरी टीम को, बहुत बहुत साधुवाद, जय गौ माता की। फिर मिलते हैं 7 तारीख को मॉर्निंग, रामलीला मैदान न्यू दिल्ली, वाया कोटपुतली सरजापुर होते हुए गुड़गांव विपको चौराया दौड़ाकुआ करोल बाग। कानाराम जी लेगा पटवर जी टापू के तो जागे रोगी भोगी के जागे कोई चोर एर के जागे संत सुराजी लागी भजन में डोर। नव आदमी किया के पहला वो नर जान जिन घर कन्या कुंवारी है आंगना, जिन पिता घर में बेटी कुंवारी 5 रुपया खर्चेरा करने नहीं मैंने मेरे टेंशन हुई है भगवान कद 5 रुपया आवे और कद बेटी रा पीला हाथ पिता रो फर्ज वे। जिन घर में कन्या कुंवारी पिता रे कने 5 रुपया नहीं आवे तो उन्हें नींद भी नहीं आवे। दूजा वो नर जान जीर माते कर्जा गणा, दुनिया भर को कर्जो चढ़ जाए, दुनिया भर का लेनो उजे माते समझो ना लेनो कर्जो कर्जो गणो माते कर ले वीने भी नींद कटू आवे साहब रोजीना मैसेज माते मैसेज। तीजो आदमी तीजा वो नर जान जीरे घर अंदन का भंडार गणा, जीरे घर में घनी लक्ष्मी वे घना पैसा वे वीने भी नींद। अब तकियार नीचे 2-2 लाख गांधी जी उतार नींद आवे खिड़की में माचर भड़को तो रात रात के छोरा देख बारे कौन आयो घना रिश्वत टकावे ने बिने भी नींद को नहीं आवे। ई बात पैसों तो ही राखनो साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाय अरे मैं भी भूखा नहीं रहूं मारे घर आयोड़ो साधु ने भूखो बस भगवान मने इतो चाहिए मारी बहन बेटी घरों भूखी नहीं जावे गऊ माता रे प्रति चारे की व्यवस्था हो जावे माँ बाप ने 2 वक्त की रोटी मिल जावे और मारे परिवार को संता को पालन पोषण हो जावे बस मेरे लिए बहुत कुछ है। शरण कुमार जी खीचड़ फील हुआ फौजी साहब ऑन ड्यूटी जम्मू कश्मीर 5100 रुपए जोरदार तालियां। आप कश्मीर में ऑन ड्यूटी पर हैं फौजी साहब जोरदार तालियां बजाएं शरण कुमार जी खीचड़ साहब के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू सर, इंडियन आर्मी सैल्यूट फॉर यू सर, गॉड ब्लेस यू। देखो कितनी लोगों मतलब भक्ता ने जागृति है ले लद्दाख माते खड़ा ले 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 रहा हूं सुनियो ना जटे बर्फ में पानी की बोतल रख दी हाथों हाथ हाथों हाथ जम जावे बटे खड़ा है श्रवण जी खीचड़ 5100 रुपया मारा भी हानिया खिंदाकोर की गौशाला में आना चाहिए। देखो बे खड़ा है जना आप राजी खुशी आप राजी खुशी बेटा बे खड़ा है जना अरे भाई बंदूकड़ी खा के हलन घरे कौन भुगते है आपन पर धके अपन धके ट्रांसफर हुई है हाँ लेकिन अपना भाई उठे खड़ा है माँ भारती की रक्षा करने वास्ते इस वास्ते माँ गौ माता धरती माता भारत माता जगत जननी माँ भवानी माता और जन्म देने वाली माता 5 माता रो दर्जो दियो। तीजा वनर जान जीरे घर अंदन का भंडार गणा छोटा चुगली कोर चुगल कोर ने भी नींद आवे के नींद डोटी बुकिंग लेवड़ी रे आज कौन को घर भगाणो है तो टेंशन मत ले मु कर लऊं धर बिगड़ हो एडर वही काम है बिन नींद थोड़ी आवे वो घर का नहीं दौरा कर दे। एक भाई कोई गांव में बिगाड़ा गणा कर तो अरे शेठ जी रे बचारी दस्तूरी देऊ नाला आया बिन पूछियो रे भाई थन दस्तूरी बुलायो कोनी बोले नहीं बुलाया तो टेंशन लेवे क्यों दस्तूरी वंदू कोनी मार भी ना नारायण ले लेगी कहच में अब वो बिगड़ा नाम बीच चार बैठ गयो शेठ करो तो बिगड़ो करी अब तो बिगड़ो करी शेठ जायपुर भी बच्चा ने क्यों देख मारे प्रणाम करने के बाद थारा ससुरा रहे मारे प्रणाम करिया मुझे बिगड़ा रही ये कहीं प्रणाम कर ली बाकी थारे नारायण फाटो जातो दिखे अबे साहब जी बच्चा ने मैं 5 रुपया दिया बच्चियालो बाप 5 रुपया दिए थे पहली तो प्रणाम बच्ची रे बाप ने करी क्यों नारायण तो बटू आयो दूजे ना आपने पिताजी प्रणाम करियो बड़े बापू करियो दादे हूं करियो बड़े हूं करियो यार छोटो नंबर बिगाड़े को आयो बिगाड़ा जार गयो काका धोक दऊं वो बिगाड़ा नंद कहे ठीक है आता दिन तो मिर्गी आती अब को नहीं आओ जा वो छोरी वालो बाप के पेशेंट मिर्गी रहे गए वो कहे बस मिर्गी रही 3 दिन में झाड़ा धोती रहूं और नारियल पाचो यहां करता करता साहब गांव में इनका कांटा पता रिया जो भाई ने तो वार्ड पंचायत में कोई टिकटी नहीं देवे मामलो गड़बड़ी वियोजित तो वियो अंत समय 80-90 साल की उम्र भी बिगड़ानंद मन में विचार करियो अरे गांव में तो दुख करियो घर का रे की करियो कि नहीं करियो ये घर का हो रहा रह जाए हंसा कर रहा है
एड़ी गिरे करो जो यही आशा राम जी कने। अब बेटो 80 साल की उम्र माचो जेलियो बदावना में पग पछोड़ा उपड़ो पकड़ पुरा छोरा ने बुलाया छोरा हूण कहीं मैं दो दिन कोई मेहमान हो छोरा ने बुलाया छोरा विचार करियो कि धन दौलत गाड़ियों खेत में भाड़ा में अपन ने धन बताए बोले हाँ दादा बोलो दो दिन थारा है बोले हाँ तो कटी धन दौलत गाड़ियों है बोले धन दौलत हा जगह ने हले लगा दिया तो अबे मारी मुक्ति दौरी वेला मारी मुक्ति दौरी वेला ते हगड़ा घर का बैठा 35 जना बोले हाँ मैं मरिया पछी ये काम करो कहीं बोले पक्को कहीं करनो इया मारी मुक्ति नहीं वेला तो मैं मरता ही मारे मुंडा रे गेंती को पाछो गाल दीजो गेंती रो डांडो गाल माते कपड़ो उड़ाई यार पछ मने बाळने वात ओ डांडो बारे मत काट जो क्यों ठीक है पछ मारी मुक्ति हो जाए क्यों मैं गामे काम छोका गणा करियो अबे बाबेरा प्राण छूटा छोरा की ओर दादारी अंतिम इच्छाई ओ साहब 2.5-3 फुट रो गेंती रो डांडो के तो पकड़ो तो भारत में भालो रोपियो के बाबेर मुंडा में राम जी राम अबे मुंडर में वो डांडो घाल गेती रो मत ओडायो कपड़ो हूं रामम नामम सत्य जीवी गांव रे बारे निकल्या यार हामी पुलिस वाली गाड़ी आवे पुलिस वाला की रे 15 अगस्त को नहीं 6 जनवरी को नहीं झंडो करो ऊपर पहली बार देखिया हुतहुता ने ले जावणो कपड़ो ओडाड़ो पुलिस वाले की बॉडी को नीचे उतारो जीव बॉडी नीचे उतारी कपड़ो हटायो यार मुंडर में ओ डांडो पुलिस वाले कहले साला मर्डर करके लिया सबूत अंदर ही छोड़ दिया अगला फिंगरप्रिंट आया 35 जना नगला ने आशा राम जी बेड़ा बेटा आधा तो रोवे आधा हंसे बे हंसे जगह कह रहे बेटो जीव तो न्याल नहीं करे मरिए पछी बेटो मात्र काढ़े तो एड़ा बिगाड़ा करने वाला धरती में तो घना बैठा है चुगल कोर एड़ा घर भंगावणिया चौथा चुगली कोर खुद रीजे दूजा ने रिजावना पांचवा चतुर सुजान खुद समझे दूजा ने समझावना आप तो समझे ही समझे और कोई भाई भाई लड़ियोड़ा वे तो बाने शाम पहली पहली बेड़ा बिटा वेरे भाई उन दादारी ओला दो बुंडा लागो थारा दादारा पड़का दिल्ली तो ही पड़ता थे आज ओ काम करो थारे कुल में दागो लागे थारो राशन कार्ड लजीत वे शाम फैली फैली बे भाया ने लड़ियोड़ा ने पांचा भेड़ी रोटी जिमा दे वो है चतुर सुजान समाज ने फिक्र तो कौन देखे वो चतुर सुजान छठा वो नर जान जीरे तन मन माए रोग गणा रोगी वे भी ने नींद आवे के नींद अरे साहब अमलदार मुंडा हाट बेटो फिंसा बंदियोड़ो रात रात कहीं रीला हले मैंने पड़ोटी हले अरे बच्चे क्यों पूछो बात छठा वनर जान जीरे तन मन माए रोग गणा अरे सातवा वनर जान जीरे दुनिया में पेरी दुश्मन गणा जीरे घना दुश्मन वे धरती माते बिने भी नींद घणु आवे नींद साहब रोटी धमकी आवे आठवा वनर जान अपा जेड़ा आठवा आदमी वो रे वे माला फेरना जीरी जीव भक्ति में लगोड़ी है कि भाई मने तो आज 12 घंटा गयार नावरी जागना है आज एक रात मनी जज मत बैठ गुजारनी है पीने नींद नहीं आवे साबा नींद बेरण है अच्छा तने गुड़ा दिया करे हाथी वेत भी नहीं हाँ इन बातें राम जी ने नाम में कभी फॉर्मलिटी नहीं करनी कई लोग फॉर्मलिटी गणी करे भगवान का भजन में हेलो ना गोविंद बोलो गोपाल बोलो बस मिंदर में जाओ तो फॉर्मलिटी तन मन तन सब तेरा लारे ध्यान रखे नवड़ा लिख तेरा मेरा माला आगे फेर लार ध्यान रखे ले चलो हाँ आगे कोई भाई खेत में पणत कर बन गया तो बेटा खेत में पणत करे पावड़ो दोरे दोरे पानी आवे भी दोरे में कोई कानेदार श्याप पड़ गयो वो श्याप आई पुरा भैरे पगरे पगरे खायो जोरू पगरे खायो वो बेटियों चांदनो करियो नागे देखे तो कालिंदार वो भाई कह रहे हो पागल है को इतो ही खावे लो कहीं और खा सांप कह रहे बेटू मनवार करे सांप आए भैरू आए और सांप 3 बार 4 बार 5 बार 7 बार डंक लगायो सांप रा दांत पड़ गया सांप खड़ो भी हो इच्छादारी नागो प्रगट भी हो रात्रि 12 बजे प्रगट वेर की वेर भैया तू भनेड़ो कहना है हाथी रे एक रखा जो उबोड़ हाथी ने पटक दू थारे 7 बार खाया मारी डाडा 32 दांत बार आ गया कोलगेट क्यों करूं सुबह थारे जेर चढ़ी कोनी तू मरियो कोनी कहीं बात है ना हाल हिजू रेजू उबो है तू कोई तेजा जीरो भगत है बाबू जीरो भगत है जामे जीरो भगत है बिगो जीरो भगत है भोमे जीरो भगत है नगद बनारो भगत है वो पाउडो फेंक पर उनकी मैं कोई तेजा जीरा भगता कोई बाबू जीरा भगता ना कोई जामे जीरा भगता ना कोई नगद बनारा भगता क्यों जने क्यों आटे गोडे नीचे नीचे प्लास्टिक रो पगे तारो बाप मर जाए पण बंदार शेर कौन से उदयपुर नवो गलेड़ो प्लास्टिक रो पूरो ओ कड़ो लकड़ हां
तो टेंशन ले मत हरी हली हाथ पीड़ी यार खबजे ना तो बंदे रे जेर सड़ना लोगों ने क्यों मैंने भोगली फिरी। ये नरेन सेवा संस्थान उदयपुर का कमाल है। तो कई फॉर्मेलिटी करे भगवान का भजना अट बैठा था घना जना बैठा हो कई चुटकला रसो किया बैठा हलन दो गिड़ी हंसन क्यों घरे तो हंसन था कोई घरे तो हंसन सीधे ले जाओ पुनः धाम माते चाड़ो दी रहो फिर की चेड़ो लगोड़ो घरे तो नहीं हंसनो घर का लीजिए पुनः से रामदास जी का बोलो गौ माता की बोलो विष्णु भगवान की जय वाह जी वाह। ओ आनंद ही अभी जायो है जागरण को आनंद आया करे दो बीजा बचे क्यों थाने बताऊं बूढ़िया कहवे दो कुंटल दूध ने गरम करो तो पीस गिला मावो पड़ा दो कुंटल दूध ने रड़ाओ मावो पानी पीस गिला। अब दूध दो कुंटल मावो पीस गिला यूं की कर दिया क्यों पानी पानी अबे प्योर मावो मावो रही हो वाटर वाटर ये प्योर प्योर क्रीम है डांगिया वाश वाली। तो जागरण आनंद ही धोबी जब बजे जाया करे नहीं पहली तो मैं ही मैन मैन खबर पड़ा अबे मैन मुख्य खबर वेजन बैठ बारीकी में पड़ा रायमलवाड़ा में श्रवण काश लगाई गई साहब तो आनंद ले रही है अभी तो आनंद ले रही साहब तो अभी यही बैठा अब ठीक है मामलो मैं पहली लाइन केबिन में भी आनंद अभी स्लीपर में ठीक है मामलो